नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। राजस्थान के अलवर में 20 जून को एक मस्जिद में आग लगा दी गई थी। इस घटना को अंजाम देने का जिन लोगों पर आरोप है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलवर मंडल के पूर्व जिला प्रमुख का नाम भी शामिल है। अलवर के बहादुरपुर गाँव में स्थानीय लोगों ने दोपहर करीब 3 बजे पहाड़ की चोटी पर मौजूद शाह जमाल मस्जिद से धुएं की लपटें निकलती देखी। जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मुलाना हनीफ ने द क्विंट को बताया कि यह बहुत पुरानी मस्जिद है। इसमें कई स्थानीय लोग नियमित रूप से प्रार्थना करते थे। मस्जिद को जलाने के साथ साथ उसके लोहे के गेट भी तोड़ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक नई 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया है। यह संविधान पीठ 12 जुलाई से 4 मामलों की सुनवाई करेगी। सर्वोच्च अदालत 22 मई से शुरू हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश के खत्म होने के बाद 3 जुलाई को खुलने जा रही है। संविधान पीठ में सीजेआई के अलावे जस्टिस ऋषिकेश राय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा शामिल हैं। जाति हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने के प्रयास में स्थानीय महिलाएं ही अड़चन पैदा कर रही हैं। भारतीय सेना ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। बीते मई महीने से मणिपुर में फैली हिंसा को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हालांकि अब तक शांति बहाल करने को लेकर की जा रही तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। हिंदी पट्टी के राज्यों में जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ने के बीच केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने जाति जनगणना नहीं करवाने के पीछे कई तकनीकी, कानूनी और प्रशासनिक अड़चने गिनाई हैं। ओबीसी बुद्धिजीवियों की बैठक में लक्ष्मण ने कहा कि जाति जनगणना आयोजित करने में प्रशासनिक, कानूनी और तकनीकी कारण शामिल है। उन्होंने कहा कि कई जातियां हैं जो केंद्रीय ओबीसी सूची में नहीं है लेकिन राज्य ओबीसी सूची में है। इसके अलावे कई गैर ओबीसी जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में शामिल होना चाहती हैं। ये सभी केंद्र के लिए जाति आधारित जनगणना करना मुश्किल बनाते हैं। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को श्रावणी मेला की प्रशासनिक स्तर से की गई तैयारी की समीक्षा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में बांका, भागलपुर व मुंगेर के अलावे मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, जमुई आदि जिलों के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने कहा कि श्रावणी मेला क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन किए जाने पर तत्काल आर्थिक रूप से दोषियों को दंडित किया जाएगा। मोदी सरकार आने के बाद देश के ज्यादातर लोगों के पास बैंक अकाउंट है। जनधन योजना के तहत देश के सभी नागरिकों का बैंक अकाउंट खुलवाने का प्रयास किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 95% आबादी के पास आज बैंक अकाउंट है। कुछ लोगों के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है। वित्तीय लेनदेन के लिए बैंक अकाउंट का होना काफी जरूरी है। इसके माध्यम से आप सुरक्षित लेनदेन कर सकते हैं, साथ ही इसमें आपकी जमा पूंजी भी सुरक्षित रहती है। गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बहन आयशा नूरी ने अपने भाइयों की हत्या की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आयशा नूरी ने कथित तौर पर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक स्वतंत्र एजेंसी की अध्यक्षता में व्यापक जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त और दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय ऋण देने पर अपनी मुहर लगा दी है। इस ब्याज मुक्त ऋण देने का मकसद राज्यों में पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। गिलो ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत मंजूर की गई है। इस ब्याज मुक्त ऋण का मकसद स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी देना है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के दक्षिण एशियाई और इंडो कैरिबियन समुदायों के विकास को मान्यता देने के लिए दिवाली के त्यौहार को स्कूल की छुट्टियों की सूची में जोड़ा जाएगा। मेयर एरिक एडम्स ने इसकी घोषणा की है। नई छुट्टी स्कूल अवकाश कैलेंडर पर ब्रुकलिन क्विंस डे का स्थान लेगी। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने कुछ महीने पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा के बाद अभी तक ये पद खाली चल रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब इस पद को भरने की तैयारी में जुट गए हैं। कुछ दिन पहले ही सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को मुख्य चयनकर्ता बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन सामने आई नई रिपोर्ट के मुताबिक वीरेंद्र सहवाग नहीं बल्कि टीम इंडिया के एक पूर्व घातक गेंदबाज मुख्य चयनकर्ता बनने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। S&P इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6% रखने का अनुमान बरकरार रखा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र में भारत की वृद्धि दर सबसे अधिक होगी। घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के वृद्धि अनुमानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले वृद्धि अनुमान मार्च में घोषित किए गए थे। कांग्रेस आने वाले लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी नई टीम तैयार कर रही है। इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी बीच अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सोनिया से मुलाकात के दौरान खड़गे अपनी टीम के कुछ
सदस्यों का नाम उनके सामने रख सकते हैं। इसके अलावे बताया जा रहा है कि गुरुवार 29 जून को खड़गे इस मामले को लेकर राहुल गांधी से भी मिलने पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता बनाओ। पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राजनीति ने पसमानदा मुस्लिमों का जीना मुश्किल कर दिया है। कुछ लोग मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिमों के साथ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन सचिवालय में किया गया। इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षक नियमावली में संशोधन किया। संशोधन के बाद बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। अगर आप बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो यह पूरा हो सकता है। बता दें कि इसे लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा काफी दिनों से इसकी मांग की जा रही थी। यूएन के अफगानिस्तान मिशन की जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में विदेशी सेना के वापस लौट जाने और तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बमबारी और अन्य हिंसा में 1000 से ज्यादा अफगान नागरिक मारे जा चुके हैं। यूएन मिशन टू अफगानिस्तान के मुताबिक 2021 से इस साल मई के मध्य 1095 नागरिक मारे गए और 2679 जख्मी हुए, जो दशकों के युद्ध की समाप्ति के बाद भी सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करता है। दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को इसकी इजाजत दे दी है। आपने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बीजेपी ने इसे बिजली कंपनियों और केजरीवाल सरकार के बीच मिलीभगत का परिणाम बताया है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है। दरअसल अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इस वक्त शिव सुंदर दास बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन जल्द बीसीसीआई के नए चीफ सेलेक्टर का चयन हो सकता है। पिछले दिनों खबर आई थी कि वीरेंद्र सहवाग ने नए चीफ सेलेक्टर के लिए संपर्क साधा गया है, लेकिन पूर्व ओपनर ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष शासित 3 राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर मूल्य वर्धित कर कम करने के लिए कहा है। सूत्रों ने कहा है कि मंत्रालय विमानन ईंधन पर इस तरह के कर को कम करने के लिए असम और दिल्ली NCT से भी संपर्क करेगा। मंत्री ने इन राज्यों से वैट घटाकर 1-4% करने का अनुरोध किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत अमेरिका के पाकिस्तान को लेकर दिए गए एक संयुक्त बयान पर कहा है कि अमेरिका आपसी आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। हम इस मुद्दे को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाएंगे और आपसी आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 गाइडलाइंस अब वापस ले ली गई हैं। NMC ने इस संबंध में जारी नोटिस में कहा है कि 12 जून 2023 को जारी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन गाइडलाइंस वापस ली जाती हैं। गौरतलब है कि NMC ने इन गाइडलाइंस के तहत मेडिकल एजुकेशन में कई बदलावों की सिफारिश की थी, जिन्हें इसी सेशन में लागू किया जाना था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि आधार या पैन कार्ड में आपका नाम गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की गलत जानकारी दी गई है तो लिंकिंग में दिक्कत हो सकती है। किसी भी डेमोग्राफिक मिसमैच के मामले में पैन और आधार लिंकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाती है। पंजाब के बठिंडा जेल में कैद खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने NI की पूछताछ में बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि तमाम नेताओं ने उससे धमकी भरे कॉल कराए ताकि वे पुलिस से सुरक्षा ले सके। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद को देशभक्त गैंगस्टर भी बताया। उसने कहा कि वो खालिस्तान के खिलाफ है, साथ ही डी कंपनी और दाऊद गैंग का भी विरोधी है। उसने कहा कि वो बस क्राइम सिंडिकेट चलाना चाहता है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने NI को यह भी बताया कि वो शराब कारोबारियों, ड्रग सप्लाई करने वालों, कॉल सेंटर्स के मालिकों और रियल एस्टेट वालों से हर महीने 2.5 करोड़ रुपये की वसूली करता रहा है। चीन में सीधा साधा फंडा है कि कुछ भी कहिए पर सरकार के खिलाफ कुछ भी ना कहिए, अगर कहा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। खास बात यह कि चीन में रहने वालों के लिए तो सोशल मीडिया भी वही है जो चीनी सरकार ने तैयार करवाई है। कुल मिलाकर खूब बात करो लेकिन दायरे में रहकर, और दायरा वह जो सरकार तय करे। लेकिन अभी हाल ही में एक प्रमुख चीनी बिजनेस यानी आर्थिक मामलों के पत्रकार ने सोशल मीडिया पर देश की वित्तीय हालत की तुलना महामंदी से कर दी। नतीजा यह निकला कि पत्रकार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कर दिया गया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया, जिसमें राहुल गांधी को सत्तारूढ़ पार्टी के नफरत के बाजार को हटाकर मोहब्बत की दुकान लगाते दर्शाया गया है। कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान शीर्षक से इस वीडियो को सोशल मीडिया के अपने आधिकारिक हैंडल से जारी किया। इसके बाद पार्टी के विभिन्न नेताओं ने इसे साझा किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा रक्षा क्षेत्र में हुए समझौतों को लेकर अत्यंत फलदायी रही है। हालांकि इससे पहले मोदी सरकार की 7 यात्राएं कर चुके हैं। बहर हाल यह खुशी की बात है कि भविष्य में भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस की अगली कड़ी में MK द्वितीय श्रेणी का जो विमान निर्मित होगा उसमें वह स्वदेशी हाथों से बने इंजन से उड़ान भरेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया से सरकार के पबजी को बैन करने के फैसले पर पॉडकास्ट पर बात की। रणवीर अल्लाहबादिया से बात करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में पबजी नागरिकों के हितों और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बैन किया गया है। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गेमिंग एप्स इंडिया और दुनिया भर के युवाओं की जीवन शैली का हिस्सा बन गया और हम बूढ़े अंकल और दादा बनकर इसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी ट्रेन टिकट होती है और मजबूरी में आपकी जगह किसी और परिवार वालों को सफ़र करना पड़ता है तो क्या उस स्थिति में आपकी टिकट पर कोई और यात्रा कर सकता है? रेलवे के नियमों के हिसाब से आप किसी फैमिली मेंबर की टिकट पर या कोई और फैमिली मेंबर आपकी टिकट पर यात्रा कर सकता है। हालांकि इसके लिए भी एक प्रोसेस का पालन करना होता है। अगर आप किसी और व्यक्ति की सीट पर यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए रिजर्वेशन ऑफिस में लिखित अर्जी देनी होगी और अपने कारण को बताना होगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, रविशंकर, नौसाद अंसारी। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी यात्रा का पसंदीदा माध्यम कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।